ऐसे पेरेंट्स क्या सोचते हैं, नई पॉलिसी आई है? एज ए पेरेंट्स मुझे लगता है इस पॉलिसी में कुछ समीक्षा करने की आवश्यकता है, कुछ मंथन और चिंतन करने की ज़रूरत है। लेकिन मोटे तौर पे कहा जाए तो ये वही व्यवस्था है जो 15 साल पुरानी 20 साल पुरानी थी। कोचिंग अपनी भूमिका अलग निभा रहा था और स्कूल की भूमिका अपनी जगह अलग किरदार निभा रही थी। दोनों अपनी अपनी जगह चल रही थी, लेकिन पिछले करीब 10 से 15 साल में एक प्रतिस्पर्धा आई, लोगों में कट थ्रोट कॉम्पिटिशन मतलब गला काट प्रतियोगिता चालू हो गई। पेरेंट्स के अंदर अति महत्वाकांक्षाएँ प्रारंभ हो गई, तो उन्होंने क्या है बच्चों को पढ़ाई के ऊपर, पढ़ाई को लेकर के, पढ़ाई के विषय में बात करना ज़्यादा चालू कर दिया। ऐसे में ऑप्शन बढ़ने लगे, कोचिंग संस्थानों ने भी पेरेंट्स को उनकी मर्जी को, उनकी रुचि को देखते हुए आगे बढ़ने लगे। जब 10th क्लास चालू हुई कोचिंग की तो उन्होंने 8th चालू कर दी, 6th चालू कर दी, और अब 16 साल की उम्र में ही बच्चों को चूँकि कोचिंग दी जाने लगी, तो ऐसे में थोड़ी सी विकृति पैदा हो गई। ऐसे में सरकार का ये जो नियम है ये काबिले तारीफ है, स्वागत योग्य नियम है, किंतु इसके अंदर हमें कुछ समीक्षा करने की आवश्यकता है। और ये समीक्षा करेंगे तो कुछ नियम ऐसे हैं जिनके अंदर आमतौर पर थोड़ी मिलीजुली प्रतिक्रिया रहेगी, लेकिन निश्चित रूप से ये पॉलिसी आने वाले समय के लिए वरदान साबित होगी। समय जो परेशानी जो चल रही है वो परेशानियाँ खत्म होगी। आत्महत्याओं की प्रवृत्ति है, चाहे प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति है, चाहे बच्चों में तनाव की प्रवृत्ति है, अवसाद की प्रवृत्ति है, या माता पिताओं की महत्वाकांक्षाओं की प्रवृत्ति है, ये सब कुछ उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में, स्वस्थ वातावरण में ये नियम जब चलेंगे तो निश्चित रूप से कोचिंग संस्थान को भी फायदा होगा और पेरेंट्स और बच्चे भी जो है अपने अपने रास्ते पर पुनः उसी तरह से चल पड़ेंगे। नई पॉलिसी आई है, क्या कहते हैं इस पॉलिसी को लेकर के? इसमें 3-4 चीज़ें आई हैं, तो 16 साल से कम उम्र का बच्चा कोचिंग नहीं कर सकता। हाँ, नहीं करनी चाहिए कोचिंग, 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग नहीं करनी चाहिए। क्या कारण मानते हैं, क्यों? क्योंकि बच्चा, मुझे ऐसा लगता है कि उस समय इतना डेवलप नहीं हो पाता है, उसको फैमिली से बाहर भी रहना पड़ता है, मतलब अपने पेरेंट्स को छोड़ के रहना पड़ता है, तो उतना मुझे नहीं लगता कि बच्चे उस समय उतना मैच्योर हो जाते हैं कि अपने आप को संभालने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए या इसी तरीके से। कोचिंग जो अभी समय कम किया गया है, 5 घंटे पढ़ाएंगे और वो भी बीच के समय में, ना देर रात को ना सुबह जल्दी, इसको लेकर मेरे को तो लगता है कि सही है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो समय कितना भी हो कमी है, और भाई पढ़ना, जो जिसको पढ़ना है उसको पढ़ना ही है। मुझे लगता है कि सही है, एक छुट्टी होनी चाहिए बच्चों के लिए, दो का तो मुझे नहीं ऐसा लगता है, एक छुट्टी होनी चाहिए पॉलिसी। स्वास्थ्य पे भी ध्यान दिया गया है इसमें, और हाँ स्वास्थ्य तो बच्चों का मेन तो स्वास्थ्य, जब स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी बच्चों का पढ़ने पे भी फोकस अच्छा होगा। और इसमें एक चीज़ और रही है कि जो कोचिंग है वो गारंटी देते हैं कि हमारा सबसे बेस्ट है, उस पर भी बैन किया गया है इसमें, कि आप कोई ऐड नहीं कर सकता इन चीज़ों को। देखिए बेस्ट तो कोचिंग को, मैं तो कोचिंग को सपोर्ट नहीं करती कि वो बेस्ट है, बेस्ट बच्चा ही अपना देता है, वो एक सहारा है, क्या कहते हैं उसको, करने का। और जैसे पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स साथ में रहते हैं तो पेरेंट्स बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाते हैं। हम स्कूल किस लिए जाते हैं? हम घर में भी तो पढ़ सकते हैं, पेरेंट्स घर में ही पढ़ा सकते हैं बच्चों को, लेकिन स्कूल जाते हैं, स्कूल से हमें एक माहौल मिलता है, कोचिंग से हमें एक माहौल मिलता है, तो कोचिंग भी मस्ट जरूरी है, क्या कहते हैं। इस पॉलिसी को बनाने के पीछे सुसाइड भी कारण माना गया था, कि भाई कुछ शिकायतें सुसाइड की भी पहुंची थी वहाँ, तो बच्चा क्यों करता है, क्या कुछ प्रेशर रहता है? प्रेशर से ही करता है बच्चा, डिप्रेशन में आगे करता है, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर तो है ही, क्या कहते हैं, प्रेशर है, पढ़ना है तो पढ़ना है, उसमें तो कोई मेरे को नहीं लगता है कि, लेकिन सुसाइड को मैं बिल्कुल नहीं मानती, क्या कहते हैं, सुसाइड नहीं करना चाहिए, अपना बेस्ट करना चाहिए, जितना अच्छा बेस्ट हो सके बच्चों को। केंद्र सरकार द्वारा जारी एक गाइडलाइन कोचिंग सेंटर्स के लिए आई है, जिसके अंदर एक बिंदु आया है कि 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों को कोचिंग के लिए प्रवेश नहीं देना है। मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। 16 वर्ष की उम्र एक ऐसी उम्र होती है जहाँ पर बच्चों को एक सीखने की उम्र होती है, जहाँ बच्चा कुछ सीखना चाहता है, उसकी एक बेसिक एक एज होती है, उस एज में बच्चा कुछ ना कुछ नया सीखना चाहता है। कोचिंग के लिए जब बच्चा इस उम्र में आता है तो वो लगभग 9th या 10th की उम्र में कोचिंग के लिए आता है, वो उसके अंदर बच्चों का एक बेस बनता है उस कोचिंग के द्वारा या स्कूल के द्वारा, उस बेस से ही बच्चा आगे जो तैयारी करने आता है IIT और मेडिकल की, उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। केंद्र सरकार को इस बारे में ज़रूर एक मंथन करना चाहिए, और दोबारा उनको जितने भी बच्चे 9th और 10th में पढ़ रहे हैं, जो 16 वर्ष की कम उम्र के बच्चे हैं, उनके अभिभावकों से भी उनको एक इस बारे में चर्चा करनी चाहिए, और चर्चा करके ही फिर दोबारा से इस नियम को लागू करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि पूरे हिंदुस्तान के बहुत से जो बच्चे IIT और इंजीनियरिंग और मेडिकल क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ेंगे, उल्टा
उन पर और उल्टा विपरीत प्रभाव पड़ेगा इस चीज़ को लेकर कि वो उनकी उम्र की जो सीमा का जो एक बंधन लगाया गया है केंद्र सरकार द्वारा वो गलत रहेगा, उनके दिमाग में भी इस तरह का एक प्रेशर रहेगा हमेशा कि हम लोग इस एज में इस क्षेत्र की तैयारी नहीं कर सकते हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि केंद्र सरकार को पुनः इस 16 वर्ष की आयु से कम बच्चों को कोचिंग में प्रवेश नहीं देने के लिए पुनः मंथन करना चाहिए और उसके बाद ही कुछ अगला स्टेप उनको उठाना चाहिए। जो सरकार ने पॉलिसी लागू किए हैं उसके मेरे हिसाब से उस बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो उसे कैसे ले रहा है। अगर वो मतलब बच्चे के अंदर खुद पॉजिटिविटी है तो वो उसे अच्छे तरीके से लेगा, पर वो बच्चा खुद ही नेगेटिव है, अगर उसके घर से मतलब घर पे ऐसे माहौल है उसका खुद नेगेटिव माहौल है तो फिर पॉलिसी तो कुछ भी कर लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर जो 16 साल से कम बच्चा एडमिशन नहीं ले सकता इसको कैसे देखते हैं? 16 साल से अगर कोई बच्चा छोटा है, अगर उसके घर के मतलब पेरेंट्स हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत एजुकेटेड हैं, तो उसके लिए पॉजिटिव होगा कि वो छोटी क्लास ही अच्छा पढ़ाई करेगा। मगर कोई बच्चा 16 ईयर्स का हो गया है और वो भी उसी घर पे इतना माहौल नहीं है एजुकेशन का, तो वो अगर वो एकदम से ऐसे इन्वायरमेंट में आएगा बहुत बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके वो हैंडल नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए डिप्रेशन की बात है। और जो बच्चे घर पे अच्छे बच्चे हैं मतलब उसके पेरेंट्स अच्छे हैं तो उसके लिए तो पॉजिटिव ही होगा ये चीज़। ये कोचिंग के लिए जो 16 वर्ष की आयु सरकार ने आवश्यक कर दी है ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा और बच्चों का जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है लाइफ में वो बहुत कम होगा और जो एक रैट रेस में बच्चे चल रहे हैं उससे बाहर आएंगे। और ये एक बच्चों को लगता है एक ही करियर है बस हमारे पास कि हम IIT कर लें या NEET कर लें, उसके अलावा भी कई और करियर्स खुले हुए हैं जिनकी जानकारी बच्चों को कम होती है, तो वो भी उस चीज़ की भी जानकारी बच्चों को मिलेगी तो बहुत सारे करियर्स हैं जो बच्चे अपने मनपसंद का करियर चूज़ कर पाएंगे। और सरकार ने उसमें ये पॉलिसी में ये भी रखा है कि बच्चों की छुट्टी होगी एक दिन हफ्ते में, तो कहीं ना कहीं इतना पढ़ाई करते हैं उसके बाद बच्चों को एक रिलैक्स करने के लिए एक छुट्टी की ज़रूरत है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये जो उस पर बोर्ड पर चस्पा करते हैं बच्चों का रिज़ल्ट, उसकी वजह से बच्चे बहुत डिप्रेशन में जाते हैं अगर जो बच्चे थोड़े कमज़ोर होते हैं जो कोप अप नहीं कर पाते, तो इस रिज़ल्ट को जब सार्वजनिक नहीं करेंगे तो अलग से बच्चों को बताना चाहिए कि तुम्हारी ये कमज़ोरी है और इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे तो हमें बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, ना कि ऐसा करना चाहिए कि उसको पब्लिकली बताना चाहिए, इससे बच्चों को बहुत स्ट्रेस भी होता है और डिप्रेशन में आते हैं बच्चे। 16 साल के कम उम्र के कोचिंग नहीं कर सकता, इसके लिए सभी स्टूडेंट के एक बात नहीं है, कुछ कुछ स्टूडेंट मैच्योर होता है, कुछ कुछ स्टूडेंट अनमैच्योर होता है, जिसका अनमैच्योर है उसको 16 साल से पहले भेजना गलत है। स्वास्थ्य को लेकर स्वास्थ्य जरूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य नहीं होगा तो दिमाग नहीं चलेगा, दिमाग नहीं होगा पढ़ाई नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा, स्वास्थ्य के लिए वो इम्पोर्टेंट है। पढ़ाई के घंटे भी कम किए हैं उन्होंने? पढ़ाई के घंटे कम करने वो ठीक नहीं है, क्योंकि अभी देखिए जो तैयारी कर रहे NEET के, जो तैयारी कर रहे JEE के, वो मेन में जाके जब ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत है तो पहले से वो कम पढ़ने से वो कैसे होगा। और कुछ कुछ बच्चा का होता है जब भी उसका अंदर आकर प्रेशर होता है, अगर उसको हम 50 क्वेश्चन देगा तो वो 25 पढ़ेगा, अगर 25 देगा तो वो 10 पढ़ेगा, तो जो सुसाइड हो रहे हैं उसका यही कारण है ना, पढ़ाई ज़्यादा ही करना पड़ेगा। लेकिन वो पेरेंट्स को या टीचर्स को देखना पड़ेगा जो कौन सा स्टूडेंट कैसा लोड लेता है, वो लोड लेने के ऊपर पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं है जो वो कम पड़ेगा उसको जो NEET में जाके इतना हाई लेवल क्वेश्चन आएगा वो पहले से कम पड़ेगा तो कैसे उसको पता, नहीं तो उसको नहीं होगा ना कंपटीशन में। पढ़ाई ज़्यादा करना पड़ेगा, ज़्यादा पढ़ाई करेगा नॉलेज ज़्यादा होगा, लेकिन वो देखना पड़ेगा जो स्टूडेंट वो ले पा रहे हैं कि नहीं, स्टूडेंट के कैपेसिटी के ऊपर, लेकिन जिसका जितना कैपेसिटी है उसका उतना करना पड़ेगा। हार्डवर्क नहीं करने से कुछ भी नहीं होगा, कोई भी ऑफिस में जाकर वो ज़्यादा काम करेगा तो अभी उसका प्रमोशन होगा, तो अभी वो बोलेगा जी हम ज़्यादा नहीं, उसको कम कर दीजिए कम, तो प्रमोशन चाहिए कम कर दीजिए, एज उसको JEE में चाहिए NEET में चाहिए लेकिन पढ़ाई कम करेगा, तो उसका पहले वो सिलेबस कम, उसका वो जो टफ है कॉम्पिटिशन वो पहले कम कीजिए, फिर स्टूडेंट का पढ़ाई कम।